गुड इवनिंग समस्त को प्रणाम मध्य तो जो मैंने प्रिपेरेशन करुछन्ते हमरो रेगुलर हाई स्कूल टीचर मेन एग्जामिनेशन पई तो समानको पई उड़िया ग्रामर आ इंग्लिश ग्रामर के छ इंपोर्टेंट क्वेश्चन आमे डिस्कशन करिवा जहाँ कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु वेरी वेरी इंपोर्टेंट ठीक अछि। तो डेरी करिवानी स्टार्ट करिवा। प्रथम क्वेश्चन आपण मानको पचार छि मोहियान एठारे केऊ प्रत्यय होई छि। मोहियान रे आपणकर केऊ प्रत्यय होई छि। ऑप्शन अछि आपण मानकर तम यस इष्ट आउ गोटे रही आपणकर मय। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम ये आपण मानकर यस प्रत्यय लगे कौन लगे यस प्रत्यय तेणु महियान आपणकर प्रत्यय पचार तो प्रत्यय आपणकर कौन हम ये प्रत्यय हम होकर यस प्रत्यय आम समस्त भितर जो आत्मशक्ति रही कमा ताकू जाग्रत करवा यथार्थ तपस्या। तो पचार मानकर क्यों प्रकार वाक्य क्यों प्रकार वाक्य बोली आमको से पचार। ऑप्शन अच्छे आपण मान सरल जटिल जौगिक आउ गोटे रही आपण मान मिश्र कौन हम करेक्ट आंसर एटा कौ प्रकार वाक्य आम समस्त भितर जो आत्मशक्ति रही जाग्रत करवा यथार्थ तपस्या यहाँ आपण मानक क्यों प्रकार वाक्य बहुत सारा पिला कहते जटिल वाक्य। तो आत्मशक्ति रही आत्मशक्ति रही मीन्स से आत्मशक्ति को ही से कौन कर डिनोट कर बुझे तेणु ये आपण मानकर ये वाक्य हूँ आपणकर सरल वाक्य यहाँ हूँ आपण मानकर जौगिक कि जटिल कि मिश्र वाक्य नुहे ठीक अच्छे तेणु यहाँ आपण मैंने सारस्वतरे चेक करेंगे जो मानकर सारस्वत बही अच्छी देखिए 357 नंबर पेज रे डायरेक्ट क्वेश्चन टा रही ठीक अच्छे तेणु करेक्ट आंसर कौन हम आपण मानकर सरल वाक्य ठीक अच्छे आग को बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन कही भितर कौटा आपण मान शुद्ध शब्द रही। ऑप्शन अच्छे आपण मान दीप्ति दुर्ग निराप सॉरी निरपराध आउट अच्छे तीर्जक कौटा आपण मान शुद्ध रही कौटा हम करेक्ट आंसर प्रणाम समस्त को आंसर कह कौन हम या भितर कौटा आपण मान शुद्ध शब्द रही देख दीप्ति स्पेलिंग भूल अच्छी दुर्ग भी आपण मान भूल अच्छी निरअपराध भी भूल अच्छी करेक्ट आंसर हूँ आपण मान तीर्जक स्पेलींगटा आपण मान कौन अच्छे ठीक अच्छे तेणु ऑप्शन नंबर कौन हम डी हम यार करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी निरअपराधी हुए नी ठीक अच्छे तेणु करेक्ट आंसर हूँ आपण मान ऑप्शन नंबर डी जो मैंने से मानकर करेक्ट आंसर अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन कही असुविधा समय रे विपदरे उल्लंघन कही अर्थ बुझौता लोकवाणी कौन हम ऑप्शन अच्छी अकाले नियम नास्ती अंटी छुरी तंटी काटे अति दर्पे हत लंका आ गोटे अच्छे अग्नि की पवन साहा देखा कौन हम करेक्ट आंसर प्रिपेरेशन जोरदार कर हूँ तो अगस्ट मास सेकेंड विक एग्जामिनेशन हो पाए। असुविधा समय रे विपदर उल्लंघन ये अर्थ बुझौता लोकवाणी कौन हम बहुत बढ़िया निश्चित भाव आंसर आमर कृष्ण मैडम ठारूँ सुश्री अदीप्त लंका सठिक आंसर अच्छी करेक्ट आंसर हूँ आपण मान अकाले नियम नास्ती हम काजू मैडम भूल होके तेणु अकाले नियम नास्ती पाठ पढ़ा डिस्कंटिन्यू करनी बुझिपार जितक जन भी प्रिलिमिनरी क्लीयर होठपढ़ा डिस्कंटिन्यू कर ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कही
ଗୋଟିଏ ରତି ବହିଛି ଗୋଟିଏ ଦେହି, ଶୁଣିଲା ନଥିଲା ଦେଖିଥିବା କେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଛି? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କର, କ'ଣ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର? ଗୋଟିଏ ରତି ବହିଛି ଗୋଟିଏ ଦେହି, ଶୁଣିଲା ନଥିଲା ଦେଖିଥିବା କେ ନାହିଁ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ କେ ଲାଗିଛି? ଓକେ, ତେଣୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର, ଏଠି ହେଉଛି ଉପମା ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଯେଉଁମାନେ ଉପମା ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅଛି। ଯଦି ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ମନେ ରଖ 570 ନମ୍ବର ପେଜ୍ ସାରସ୍ୱତ ବ୍ୟାକରଣ ବହି ଖୋଲିକି ଦେଖିବ, ଠିକ୍ ଅଛି? 570। ନେକ୍ସଟ, ତଦ୍ଧିତ ପଦଟିକୁ ଚିହ୍ନାଅ, ୟା ଭିତରେ କେଉଁଟା ତଦ୍ଧିତ ପଦ? ୟା ଭିତରେ କେଉଁଟା ତଦ୍ଧିତ ପଦ ବୋଲି ଆମକୁ ସେ ପଚାରିଛି, ତଦ୍ଧିତ ପଦ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ତଦ୍ଧିତ ପଦ କେଉଁଟା? ଗ୍ରାହୀ, ବିରୋଧୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୁଃଖୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ। କେଉଁଟା ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଦୁଃଖ। ଦୁଃଖ ଶବ୍ଦରେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଗିଛି ଇ, ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ହେବ ହେଉଛି କ'ଣ? ତଦ୍ଧିତ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ପ୍ରତିଚକ୍ଷୁ, ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ସମାସ? ପ୍ରତିଚକ୍ଷୁ ମୁଁ PDF ଗ୍ରୁପରେ ଦେଇଦେବି, ତୁମମାନେ ନେଇକି ଯେଉଁଟା ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ଆଉ ଥରେ କ୍ଲିଅର ହୋଇଯିବ, ହେଲା? ପ୍ରତିଚକ୍ଷୁ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ପ୍ରତିଚକ୍ଷୁ, ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରକାର ସମାସ? ଆରାମସେ ଜାଣିପାରିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରତି ଲାଗିଛି, ତେଣୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅବ୍ୟୟ ଭାବ ସମାସ, ଅବ୍ୟୟୀ ଭାବ ସମାସ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ମତ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସବଳ ଓ ସଫଳ କରେ, ତ ପଚାରିଛି ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପଦ? ବିଶେଷଣ ପଦ, ସର୍ବନାମ ପଦ, ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ, ଅବ୍ୟୟ ପଦ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ମତ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସବଳ ଓ ସଫଳ କରେ, ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପଦ? ଗରିଷ୍ଠଟା ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପଦ? ଗରିଷ୍ଠ, ବରିଷ୍ଠ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପଢ଼ିକି ଆସିଛ, ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କ'ଣ? ବିଶେଷଣ ପଦ, ଆମେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ବିଶେଷଣ ପଦ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଭାରତର ନେପୋଲିଅନ ରୂପେ ଜଣା, ତେଣୁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନେପୋଲିଅନ, ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବିଶେଷ୍ୟ? ଏଇଟା ସମସ୍ତେ କହିପାରିବ, ଏଠି କମ୍ପେୟାର କରାଯାଉଛି, ତ ଏଠି କମ୍ପେୟାର କରାଯାଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ତେଣୁ ଏଠି ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ କମ୍ପେୟାର କରାଯାଉଛି, ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ହେଉଛି ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ? ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ, କିନ୍ତୁ ନେପୋଲିଅନ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର କମ୍ପେୟାର କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ ଇଏ କ'ଣ ହେବ? ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜାତିବାଚକ, ତେଣୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସି ସହିତ ଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେବ। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ବସିବା ଠାରୁ କାଶିବା ଭଲ, ଏଠି କାଶିବାଟା ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପଦ? ଏଠି ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ କ'ଣ ଲଗେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆନ୍ସର ଆସୁଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ କ'ଣ ହେବ ଏଇଟା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର? ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଲଗେଇକି ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବା, ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁ କ'ଣ ଲଗେଇକି ଯଦି ଆମେ ଗରିଷ୍ଠତାଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ହେବ, କ'ଣ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷଣ ପଦ ହେବ, ହେଲା? ତେଣୁ ଦେଖ ବସିବା ଠାରୁ କାଶିବା ଭଲ, ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ଲଗେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବା? ତ କ'ଣ ଲଗେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଆମେ ଯଦି ଆନ୍ସର ପାଇଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ଭଲ? କାଶିବା ଭଲ, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ? ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ, ନଟ୍ କ୍ରିୟାପଦ, ବୁଝିହେଉଛି? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବାଛ, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନେ ପିଲାଯାକ ଗୋଟିଏ ବିରାଡ଼ିଟିଏ ଜନତାମାନଙ୍କର, କେଉଁଟା ଶୁଦ୍ଧ ହେବ?
11 नंबर क्वेश्चन, अधिकांश लोक रहिबो, अधिकांश लोक माने रहिबो नि, ठीक अछि, नहले अधिकांश उठि जइबो लोक माने हबो, ठीक अछि। तनु ये आपण मानकर भूल अछि। तापरे पिला जाको एटा को होल्ड करिक रखिबा, गुटिए बिराडी टीए पुणी गुटिए लागि छि पुणी बिराडी टीए बुझौ छि, ये भी आपण मानकर कोन अछि, भूल अछि। जनता मानकर हला, जनता मानकर भी आपण मानकर कोन, ये भी आपण मानकर कोन अछि, भूल अछि। तेणु पिला जाक हम यार करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन, आखि देवा ए रूढ़ीर अर्थ कौन, आखि देवा ए रूढ़ीर अर्थ कौन, लोभ करवा, लक्ष्य रखा, आउट हो इशारा देवा, आउट हो ईर्षा करवा। 12 नंबर क्वेश्चन, करेक्ट आंसर कौन हम, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कौन हम करेक्ट आंसर। आखि देवा लक्ष्य रखा, ना करेक्ट आंसर हूँ आपण मानकर ईर्षा करवा, ईर्षा करवा हम यार करेक्ट आंसर। सारस्वत व्याकरण बही खोल के देखिपर, आखिरे बहुत सारा रही आपण मानक गोटे उटर क्वेश्चन आसाला, बुझिपार लोभ करवा नुहे, लक्ष्य रखा भी नुहे, इशारा देवा भी नुहे, ईर्षा करवा हम यार करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हम यार करेक्ट आंसर। बहुत सारा पिला भूल हो। नेक्स्ट मु मना कली फेर तुम्हें मो पाख को आसिल, एटा के प्रकार अवयव, बीजजक, संयोजक, समय सूचक, संभावना सूचक। फेर एटा आपण मानकर कौन हम, मु मना कली पुणी फेर युड़ाक आपण मानकर कौ प्रकार अवयव भितर आसिबो, बीजजक, संयोजक, चिंता करो, चिंता करो कौन हम करेक्ट करेक्ट आंसर। ये आपण मानक संयोजक अवयव हम, संयोजक अवयव जो मैंने बीजजक दौ भूल अच्छे, संयोजक अवयव हम यार करेक्ट आंसर। तुम मैंने समस्ते पढ़ीच ओ एवं आउ आहुरी पुणी बी मध्य फेरे तथा पुनश्च पुनर्बार युवा कौच गोटे गोटे कौन संयोजक अवयव भितर जी बीजजक नुहे, बुझेगा बुझे। तेणु करेक्ट आंसर हूँ ऑप्शन नंबर बी हम यार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट भैरव आरबे रेबा देई लंफ जन माए जन मानसे प्रकम्प, एटा आपण मानक पचार के प्रकार अलंकार हो, प्रकार अलंकार हो। 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर कौन हम, अनुप्रास अलंकार हम करेक्ट आंसर। अनुप्रास जहाँ शो जो देखे आपण मानक अलंकार सारस्वत व्याकरण होन्न्य बह हो भल से पूरा तार कोटेसन गुड़ाक भल से प्राक्टिस कर, बुझिपार। नेक्स्ट मोर आरत पूर्ण शुणी एथि विजय बेनुपाड़ी, एथिटा आपण मानकर के प्रकार पद पचार। 15 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर कौन हम, 15 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर कौन हम, एथिटा हूँ आपण मानकर गोटे सर्वनाम पद, के पद सर्वनाम पद, ठीक अच्छे। एवं आम इंग्लीश ग्रामर को जीवा,
चलो प्रथम क्वेश्चन भलसे क्वेश्चन को टिके देखिबो एवं कौन हबो आंसर तरबर हबार किछ आवश्यकता नाही आराम से करिबो। प्रथम क्वेश्चन भलसे देखिबा कौन कोई छे हमको क्वेश्चन हला ओके मु चेष्टा करूँ रेगुलर क्लास करिया पाए हला। चलो इंग्लिश ग्रामर क्वेश्चन कह क्वेश्चन कौच हिज फादर डायड डैश द एज ऑफ 60 ईयर कौन हम करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। हिज फादर डायड डैश द एज ऑफ 60 ईयर एठी आपण मन को कौन दे 60 एज कथा कही विथ 63 सॉरी 63 कथा कही तेणु जितेबले गोटे पर्टिकुलर एज कथा कौच तो से जगार आम कौन बसईवा एट बसईवा ना कि आम इन बसईवा बुझिपार तेणु हिज फादर डायड एट दि एज अफ 63 पर्टिकुलर गोटे कौन रही गोटे पर्टिकुलर आमको बयस दे तो से आर्टिकल सॉरी प्रिपोजिशन आम कौन बसईवा एट बसईवा बुझिपार तेणु एट दि एज अफ 63 ठीक अच्छे बहुत बढ़िया एका कथा 60 हो 63 हो गोटे नंबर को तो सूचे ना बुझे अरविंद बाबू तेणु जहाँ भी हो तो आमको ये प्रिपोजिशन एट ही बसईवा ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह कौन हम आफ्टर ए लॉन्ग डिसीजन आई प्रिभेल्ड डैश हिम टू आक्सेप्ट द प्रपोजाल देखा किए कह करेक्ट आंसर कौन हम केतज पिला सठिक आंसर रोज आफ्टर ए लॉन्ग डिसीजन सॉरी डिस्कशन आई प्रिभेल्ड डिस्कशन अच्छे से आफ्टर ए लॉन्ग डिस्कशन आई प्रिभेल्ड डैश हिम टू आक्सेप्ट द प्रपोजाल करेक्ट आंसर कौन हम कौन हम करेक्ट आंसर टू हम टू हम वेरी गुड श्रीनु बेहरा बहुत बढ़िया सुश्री मैडम सुश्री आदिप्ता मैडम वेरी गुड करेक्ट आंसर हो आपण मानकर ओपन हम आपण मैंने कहे कहीं सार ओपन हम आप कहीं ओपन बसले ना जो प्रिभेल्ड ओपन टा आपण मान गोटे फ्रेजल भर आपण मान गोटे कौन फ्रेजल भर जार अर्थ हूँ जार अर्थ हूँ टू आस् अर् परस्यूड सम वन टू डू समथिंग कौन से गोटे कार्य करने आम कह पचार बुझिपार तो से कौन है ना ये हूँ आपण मान ओपन बसला ये से कौन बसला ओपन बसला बुझा पड़ा तेणु ये आपण मान जो रही प्रिभेल्ड ओपन गोटे हूँ आपणकर फ्रेजल वर्ब तो से आम कौन बसइले एटी प्रिपोजिशन ओपन ही बसइले। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कह ज्योति इज वर्किंग डैश वर्किंग डैश मदर इज वर्किंग ए फार्म एंड हार सॉरी एटा टिके माने सेंटेंस अरेंजमेंट टिके भूल अच्छे सेंटेंस अरेंजमेंटा टिके भूल अच्छे मुझे रखुचि करेक्ट सेंटेंस अरेंजमेंट हूँ ज्योति इज वर्किंग डैश ए फार्म डैश ए फार्म एंड हार मदर डैश ए फार्म लिखा ही इज वर्किंग डैश ए फार्म एंड हार मदर ये मदर 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 हला क्वेश्चन कौन है ज्योति इज वर्किंग डैश ए फार्म एंड हार मदर इज वर्किंग
7 कौन हम ये टी स्पेलिंग मिस्टेक अच्छी तो कह करेक्ट आंसर कौन हम ज्योति इज वर्किंग डैश ए फार एंड हर मदर इज वर्किंग डैश वर्किंग डैश ए बैंक कौन हम करेक्ट आंसर वेरी गुड करेक्ट आंसर होटी फार्म कथा कही ना तो ये करेक्ट आंसर प्रथम होपण मान फार्म पूर्व कौन लगे ऑन ए फार्म आउ एटी बैंक कथा कही तो बैंक पूर्व आपण मान कौन लगे इन ए बैंक बुझेगा बुझे तेणु फार्म पूर्व कौन लगे फार्म पूर्व ऑन लगे एवं बैंक पूर्व आपण मान कौन लगे इन लगे आपण मैंने कहे कहीं देख द प्रिपोजिशन ऑन प्रिपोजिशन जो रही ऑन रही लिभे देटा को इरेज ऑल जो रही मुझे केवल करेक्ट आंसर टाक मारि तो ये हूँ आपण मानक ऑन आउ इन रलसे देख द प्रिपोजिशन ऑन इज यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू सरफेस इंक्लूडिंग लैंड एंड वाटर बुझेगा तेणु सेटा हूँ आपण मानक लैंड रे हूँ गोटे व्वाटर हो तेणु से गोटे फार्म काम कर तेणु ये फार्म टाक गोटे लैंड हिसाब से ना बुझिपार तेणु से जुगुर आपण मन ये ऑन ए फार्म है ठीक अच्छे एवं इन कथा जो कह इनटा हूँ आपण मान कौन इनटा इनटा भलसे देख इन कथा जिते आम कह तो इन हूँ गोटे एनक्लोज स्पेस को सूचाए बुझिपार नहीं और गोटे बिल्डिंग को सूचाइब तेणु से बैंक पूर्व आपण मान कौन बसला इन बसला बुझा पड़ा समस्त को समस्त बुझिपार मुँ कहली बुझिपार कि ना तेणु आम कहीं बसइले फार्म पूर्व आम कहीं अन् बसइले एवं बैंक पूर्व कहीं आम इन बसइले समस्त क्लीयर है क्लीयर समस्ते चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कह क्वेश्चन कौन कही क्वेश्चन कौच सी हेज नॉट रीड एनीथिंग डैश मंडे सी हेज नॉट रीड एनीथिंग डैश मंडे कौन हम बहुत बढ़िया निश्चित भाव करेक्ट आंसर कौन हम मंडे अच्छी तो मंडे ताने से मंडे ठारू एवं हेज नॉट अच्छे ये देख पार बुझिपार कि ना हेज नॉट रीड बुझिपार तेणु आपण मान ये कौन लगे सीन्स लगे तो आपण मैंने कहे सर कहीं सीन्स लगे ना सीन्स लगभग कारण हूँ आम जानते आम सीन्स को कत व्यवहार करवा गोटे स्पेसिफिक डेट कौ बा गोटे मंथ कौ बा गोटे इयर कौ बा गोटे डे कौ जदि आमको स्पेसिफिक सूचे तालोल आम से कौन लगे था सीन्स लगे था मन पड़ू सीन्स आउ फर यूज आम मैंने समस्त पढ़ की आसते बुझे जोड़ा हूँ परफेक्ट लगे बा परफेक्ट प्रोग्रेसिव लगे से कौन हम ना पास्ट रे हूँ कि आपण प्रेजेन्ट रे हूँ ये दुटा क्षेत्र में आम कौन करवहार कर सीन्स को किंबा आपणकर फर को नेक्स्ट देयर वाज ए न्यू डैश इन द रेन कही आप्रोप्रिएट फ्रेजल भर्ब आपणकर कौन हम देयर वाज ए न्यू डैश इन द रेन आप्रोप्रिएट फ्रेजल भर्ब कौन हम लेट ऑफ लेट इन लेट ऑफ लेट गो कौन लगे करेक्ट आंसर कौन हम आराम से करपर आराम से कौन बस करेक्ट आंसर कौन हम करेक्ट आंसर देखो यार करेक्ट आंसर हूँ आपण मानक लैपटॉप लैपटॉप
ଲ୍ୟାପଟପ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଲ୍ୟାପଟପ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିକମ୍ ଲେସ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ଅର୍ ସିଭିଅର୍, ବୁଝିହେଉଛି କି ନାହିଁ? ଲେସ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସ, ଲେସ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ଅର୍ ସିଭିଅର୍, ତାମାନେ ଦେୟାର ୱାଜ୍ ନୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଇନ୍ ଦ ରେନ୍, ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ସିଭିଅର୍ ସିଭିଅର୍ ରେନ୍ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ବିକମ୍ ଲେସ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ବା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି ସିଭିଅର୍, ହେଲା। ତେଣୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର କ'ଣ ହେବ? ଏ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ଲ୍ୟାପଟପ୍ ହେବ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ଲ୍ୟାପଟପ୍, ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି ଦ ପାର୍ଟି ହାଇକମାଣ୍ଡ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଷ୍ଟେପ୍ ଅଫ୍ ଏନ୍ ଓପନ୍ ବ୍ୟାଟଲ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ଅଫ୍ ରହିଛି, ଇଫ୍ ଯେଉଁ ଫ୍ରେଜଲ୍ ଭର୍ବଟା ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର, ତା'ର ମିନିଂଟା କ'ଣ, ତା'ର ମିନିଂଟା କ'ଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ଫ୍ରେଜଲ୍ ଭର୍ବଟା ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ତା'ର ମିନିଂଟା କ'ଣ? କିଏ କହିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ଏଇ ଫ୍ରେଜଲ୍ ଭର୍ବର ମିନିଂଟା କ'ଣ? ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆରାମସେ ପଢ଼, ଆରାମସେ ପଢ଼, କୁହ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ମାନେକୁ ବୁଝ। ଷ୍ଟେପ୍ ଅଫ୍ ଦେଇଛି, ଷ୍ଟେପ୍ ଅଫ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଷ୍ଟେପ୍ ଅଫ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବା, ଦୂରେଇ ଦେବା, ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ, ଦୂରେଇ ଦେବା, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ତ ହାଇକମାଣ୍ଡ ଏଠି ପାର୍ଟି ହାଇକମାଣ୍ଡ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ରହିଛି ଓପନ୍ ବ୍ୟାଟଲ୍ ରହିଛି ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ, ଦୂରେଇବା ପାଇଁ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଓପନ୍ ବ୍ୟାଟଲ୍ ନ ହଉ, ବୁଝିହେଉଛି? ତେଣୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ସହିତ ଯିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହି ବ୍ରୋକ୍ ଡାଉନ୍, ମାନେ ବ୍ରେକ୍ ଡାଉନ୍ର, ବ୍ରୋକ୍ ଡାଉନ୍ ଇନ୍ ଦ ମିଡ଼ିଲ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ସ୍ପିଚ୍। ତ ଏଇଠି ଯେଉଁ ରହିଛି ବ୍ରେକ୍ ଡାଉନ୍, ତ ବ୍ରେକ୍ ଡାଉନ୍ର ଫ୍ରେଜଲ୍ ଭର୍ବର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବ୍ରେକ୍ ଡାଉନ୍ର ଫ୍ରେଜଲ୍ ଭର୍ବର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କିଏ କହିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍? ପଢ଼, କିଛି ଆସୁନି, ଏନଫ୍ ଟାଇମ୍ ପାଉଛ, ମାନେ କେତେ ସମୟ ତୁମେ ନଷ୍ଟ କରିସାରିଲଣି, ସବୁ ହେବ, ନିଜେ ନ ପଢ଼ିଲେ କିଛି ହେବନି, ବୁଝିପାରୁଛ? ତୁମେ ଯେତେ 15 ଘଣ୍ଟିଆ 20 ଘଣ୍ଟିଆ 50 ଘଣ୍ଟିଆ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖ, ସେଥିରୁ କିଛି ନାହିଁ, ନିଜେ ନ ପଢ଼ିଲେ କିଛି ହେବନି, ପଢ଼। ଏଇବା କ୍ଲାସ୍ କରୁଛେ, ଦେଖ 13 ଜଣ 14 ଜଣ କ୍ଲାସ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଫେଲ୍ଡ, କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ? ଫେଲ୍ଡ, ଫେଲ୍, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ନେକ୍ସଟ, ଇଫ୍ ମନାଲି ହ୍ୟାଡ୍ ୱାର୍କଡ଼୍ ହାର୍ଡ଼୍ ସି ଡ୍ୟାସ୍ ଗଟ୍ ଦ ଜବ୍ ସି ଡିଜାୟାର୍ଡ଼, ସି ଡିଜାୟାର୍ଡ଼ କ'ଣ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍? କିଏ କହିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଗିଗିଲ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଲାଜକୁଳା ହସ, ଯେଉଁଟା ଗିଗିଲ୍, ହେଲା। ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ହସ ଗିଗିଲ୍, ଦେଖ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଫ୍ କ୍ଲଜ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଲାଗିଛି? ହେଡ୍ ୱାର୍କଡ୍ ଅଛି, ହେଡ୍ ୱାର୍କଡ୍ ଅଛି, ଆମେ କଣ୍ଡିସନାଲ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପଢ଼ିକି ଆସିଥିଲେ। ଯଦି ଇଫ୍ କ୍ଲଜ୍ ସହିତ ହେଡ୍ ୱାର୍କଡ୍ ଅଛି, ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ହେଡ୍ ସହିତ ଭର୍ବର କ'ଣ ରହିଛି? ହାର୍ଡ୍ ଫର୍ମ ରହିଛି, ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସେ ଜାଗାରେ ଉଡ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଆମେ ବସେଇବା, ତେଣୁ ଉଡ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଗଟ୍, ବୁଝିପାରୁଛ? ଆମେ ପ୍ୟାଟର୍ନ ପଢ଼ିକି ଆସିଥିଲେ, କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ ମନେ ପକାଅ, ଦ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଇଜ୍ ଇନ୍ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଏ ହାଇପୋଥେଟିକାଲ୍ ଅର୍ ଅନ୍ରିଏଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍। ଯଦି ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ଆପଣଙ୍କର ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ରହୁଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ହାଇପୋଥେଟିକାଲ୍ ବା ଗୋଟେ ଅନ୍ରିଏଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ବା ଗୋଟେ ଅନ୍ରିଏଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍କୁ ସୂଚାଉଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଫ୍ରେଜ୍ଟା ହେଡ୍ ୱାର୍କଡ୍ ହାର୍ଡ଼୍ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ରହୁଛି,
जोटा कि कार्यटा एक्चुअली होना है तो से ही केस्रे आम कौन करवा हाइपोथेटिकल आउटकम को दर्शेवाई आम वुड हैव कौन करवहार कर मन पड़गला ना नहीं मन पड़गला तेणु यार करेक्ट आंसर कौन हम इफ मोनाली हैड वर्कड हार्ड सी वुड हैव गॉट द जॉब सी डिजाइन बुझीला बुझिपार क्लियर जदि कंडीशनल क्लॉज जदि आपणकर कौ टेन्स अच्छी हैड वर्कड अच्छी ताले आमे जो रही कंडीशन को फुलफिल करने आमे टेन्स फॉर्म कौन लगे वुड हैव आमे व्यवहार करवा वुड हैव तापर हूँ भर्ब थर्ड फॉर्म बुझेगा नेक्स्ट वर्ड सरा एंड हरियत दिजनकर ना एटा हला डैश एट 10 o'clock ऑन ट्यूजडे कौन हम किए कह करेक्ट आंसर ऑन ट्यूजडे कौन हम करेक्ट आंसर कल की चेष्टा करी तुम मन हिस्ट्री जियोग्राफी पॉलिटी आउ इकोनॉमिक्स क्वेश्चन आने पर कह करेक्ट आंसर कौन हम हैव बीन मीटिंग मीट आर मीटिंग हैड मेट कौन हम करेक्ट आंसर वेरी गुड बहुत बढ़िया सटिक आंसर आ सारी काजू मैडम को ठार करेक्ट आंसर होपण मान आर मीटिंग कौन बेटी आर मीटिंग कहीं आर मीटिंग हम किए यार जस्टिफिकेशन दब आर मीटिंग कहीं हम ना आम गोटे टेन्स पढ़ी आसते मन पकाओ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेन्स पढ़ी आसते जदि गोटे प्लान बाबद कह बुझिपार कि ना जदि प्लान बाबद कह तार जो अरेंजमेंटा जदि फ्यूचर पर बुझिपार कि ना एवं गोटे टाइम आडभर्व लगी लगी ना गोटे टाइम आडभर्व जोटा होन ट्यूजडे अच्छे बुझिपार कि ना बुझेगा तेणु से क्षेत्र में आम कौन यूज करवा ना प्रेजेंट कंटिन्यूस टेन्स आम कौन करवा यूज करवा बुझिपाल ना मुझे कौन कहली तेणु प्रेजेंट कंटिन्यूस टेन्सटा आम के यूज कर गोटे प्लान एवं अरेंजमेंट रतब फ्यूचर में एवं कहुता सहित मोस्ट इंपोर्टेंट जिनस गोटे टाइम आडभर्व लगी बुझिपार कि ना बुझेगा एटा सब्जेक्ट भर्व एग्रीमेंट रू नुहे एटा हूँ आपणकर टेन्स रू क्वेश्चनटा बुझी कृष्णा मैडम कहते एंड रे जॉइंट होती दुईटा नाउन ठीक अच्छे मुझे मना करूनी बुझिपार ना प्लुराल तो हम कि टेन्स कौटा हम बुझिपार कि ना तेणु ये आर मीटिंग हम यार करेक्ट आंसर कहीं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेन्स ही व्यवहार हो ठीक अच्छे आगे बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन कह इफ ही हैड गन टू आग्रा ही डैश द ताजमहल देख ये भी सही कथा हैड गन अच्छी तो कौन हम देख ये थर्ड कंडीशनल फॉर्म मन पड़ी थर्ड कंडीशनल फॉर्म तो करेक्ट आंसर थर्ड कंडीशनल फॉर्म रो स्ट्रक्चर कौन थिला मन पकाओ थर्ड कंडीशनल जो रही थर्ड कंडीशनल स्ट्रक्चर आम कौन पढ़ के आसते कौन पढ़ के आसते वुड हैव सीन एवं कहीकि आसना वुड सहित कौन लगे हैव लगे बुझे एवं भर्ब कौन थर्ड फॉर्म रे गोटे करेणु कौन बेटी वुड हैव सीन थर्ड कंडीशनल फॉर्म बुझिपार ना हाइपोथेटिकल है ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन ही वाज एक्सट्रीमली डैश व्वेन द मैटर डैश टू हिम कौन हम करेक्ट आंसर कह देखा किए कह
He was extremely dash when the matter dashed to him. देखो वाज अच्छी माने तो माने आखि बुझी कि कौन करिवो पास्ट रही रखिवो तेणु एनोएड हम तेणु समस्त पाखर तो एनोएड अच्छी तापरे व्हेन द मैटर वाज एक्सप्लान इज एक्सप्लान एक्सप्लान ना आपण एक्सप्लान्स कौन हम देखो ही वाज एक्सट्रीमली एनोएड अच्छी माने तो ये आपण कौन हम वाज से देख फास्ट रे अच्छी माने एटी भी आपण मान कौन हम वाज ही रो कारण दुटा पारालाल कार्यटा दुटा पारालाल वे हो बुझिपार कि ना तेणु एटी आपण कौन हम वाज एक्सप्लांड हम ऑप्शन नंबर वन हम तो आपण मैंने कहे कहीं ना देख द सेंटेंस कंटेन द कंजंक्शन व्हेन आम देखुंट व्हेन कंजंक्शन लगी एंड इट कंटेन्स वाज इन द फास्ट पार्ट प्रथम पार्ट रे कौन लगी वाज लगी इट इंडिकेट्स दैट द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस नीड्स टू बी रिटन इन द पास्ट टेंस जदि फास्ट पार्टा आपंकर पास्ट रे रही तो सेकेंड पार्टा भी आपण मानकर कौन थे पास्ट टेंस रे ही रही बुझा पड़ी समस्त को समस्त बुझिपार नेक्स्ट आगो को बढ़िया चलो कह सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्वेश्चन रही कहीं भी भूल कर क्वेश्चन कही वन ऑफ द स्टूडेंट्स अच्छे डैश नॉट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन कौन हम वन ऑफ द स्टूडेंट्स अच्छे तो कौन हम करेक्ट आंसर वन ऑफ द स्टूडेंट्स आर हम एम हम वेयर हम इज हम करेक्ट आंसर कौन हम कौन हम आम पढ़ी आसते वन ऑफ दि पर आपणकर कौन सिंगुलर सिंगुलर रो कहीं ना रूल कौन पढ़ी इंग्लिश ग्रामर रे जो फ्रेज रही वन ऑफ दि एटा फॉलो करी प्लुराल नाउन को या पर आपणकर प्लुराल नाउन रुझिपार ना स्टूडेंट्स ये केस रे स्टूडेंट्स होउचे आपणकर कौन प्लुराल नाउन किंतु या परे प्लुराल नाउन परे ऑलवेज आसीबो कौन सिंगुलर वर्ब आसीबो जो थे कि आम इज बसेवा ये केस रे बुझा पड़ी नेक्स्ट क्वेश्चन कह दिस इज वन ऑफ द मैटर्स दैट डैश मी द मोस्ट आंसर कौन हम किए कह सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तुमको बहुत ही हेल्प कर बुझिपार मार्क रखार जदि टे भल से पढ़ीदेव जल्दी कह कौन हम करेक्ट आंसर दिस इज वन ऑफ द मैटर्स दैट देख रिलेटिव प्रोनाउन दैट अच्छे ना आम कौन पढ़ी दैट पूर्वर जीए बस रूलटा को आगे भलसे देख वी नो दैट इफ टू क्लज आर कनेक्टेड बाय द रिलेटिव प्रोनाउन्स हू हौ हुईच हौ दैट हौ देन द वर्ब आफ्टर दिज रिलेटिव प्रोनाउन्स आर यूज अकॉर्डिंग टू द एंटीसीडेंट ऑफ दैट रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटिव प्रोनाउन रो जस्ट पूर्वर जो सब्जेक्ट थी तो तार अनुसार आपण मान कौन हम तार अनुसार आपणकर वर्ब हम बुझिपार तेणु दिस इज अच्छी तो ये आपण मान प्रेजेंट सिंपल अच्छी देखिपार तुम हेज डिस्टर्ब कहीं लिख बुझिपार तेणु ये द मैटर्स अच्छी प्लुराल अच्छी तेणु निश्चित भाव में आम कहीपर तो ये हम डिस्टर्ब हम यार आंसर तेणु दिस इज वन ऑफ द मैटर्स दैट डिस्टर्ब मी द मोस्ट बुझा पड़ी समस्त को समस्त बुझिपार वेरी गुड बहुत बढ़िया नेक्स्ट कह 50 माइल्स डैश ए लॉन्ग डिस्टेंस किए कह 50 माइल्स डैश ए लॉन्ग डिस्टेंस यार रूल को टिके मन पकाओ यार रूल कौन पढ़ाई तुम मानक यार रूल मु तुम मानक यही जितेबाला गोटे फ्लोराल नाउन जितेबाला डिनोट कर गोटे स्पेसिफिक सम को फ्लोराल नाउन थी गोटे स्पेसिफिक सम को गोटे स्पेसिफिक डिस्टेंस को गोटे हूँ क्वांटिटी को गोटे टाइम को गोटे पीरियड को एज ए होल गोटे होल हिसाब से निजी
से क्षेत्र में आम सिंगुलर वर्ब कौन करवा यूज करवा एक तुमको कहीदी तेणु से आपण मान कौन हम ये 50 miles इज ए लॉन्ग डिस्टेंस बुझे 50 miles गोटे डिस्टेंस को सूचौच ये गोटे पर्टिकुलर फुल डिस्टेंस को सूचौच बुझेगा आर हम ना नेक्स्ट द डॉक्टर एंड द नर्स डैश टुगेदर वर्किंग वर्क इज वर्किंग वर्क्स कौन हम मैटर्स मैटर्स होपर द मैटर्स प्लुराल से भर्बर फास्ट फर्म हम भर्बर फास्ट फर्म टा आम पढ़ी कौन प्लुराल मैटर्स अच्छी द मैटर्स जो आप कहले द मैटर्स होपर प्लुराल मैटर्स अच्छे देखिपर तु मैटर्स तो कौन हम ये देख आम ये प्रथम कथा देखा कौन दी जन पाखे आर्टिकल द लगी एंड द्वारा से जोड़ तेणु ये दीज पर्सन जी डॉक्टर सी नर्स नुहे जी नर्स सी डॉक्टर नुहे जदि जनक आर्टिकल लगी था आम तेल कही था कौन आम कही पारि था जे जी डॉक्टर सी नर्स बुझिपार कि नहीं तेणु से कौन हम प्लुराल हम आम पढ़ी व्वेन द सब्जेक्ट अफ दि सेन्टेन्स इज कंपोज अफ टू और मोर नाउन्स और प्रोनाउन्स कनेक्टेड बै एंड यूज प्लुराल भर्ब तेणु ये आम कौन करवा प्लुराल भर्ब यूज करवा एवं जदि प्लुराल भर्ब यूज करवा केवल वर्किंग के बसवनी एवं इज वर्किंग तो हेनी कारण सिंगुलर नुहे प्लुराल हम वर्क होपर सिंगुलर तेणु करेक्ट आंसर वर्क हम कौन हम वर्क हम इज वर्किंग ना है इज वर्किंग के हम ना कारण द डॉक्टर एंड द नर्स अच्छे बुझा पड़ी समस्त को नेक्स्ट कह नरेसन चेंज जल्दी जल्दी कर सब पाठ खाई दौ गोटे मस क्लास है गोटे मस क्लास है सब पाठ खाई दे टोल्ड अस दैट दे हैड वेटेड एट द स्टेशन देख हेड अच्छे ना तेणु यार रिभर्स आमको करनेड के आसे जोबले पास्ट सिंपल ले थाए पास्ट सिंपल ले हेड हम ना आम पढ़ी तेणु देख कौट पास्ट सिंपल अच्छे प्रथम ऑप्शन को ना वेटेड अच्छी ताको आम होल्ड कर रखा एटी हेड बीन अच्छे हेनी एटी आर वेटिंग अच्छे हेनी आठ केवल वेट अच्छे हेनी तेणु ऑप्शन नंबर ए हम यार करेक्ट आंसर ठीक अच्छे पूरा भी करवा दरकार ना बुझा पड़े समस्त को तेणु ऑप्शन नंबर ए हम यार करेक्ट आंसर नेक्स्ट द बॉस सेड टू हिम प्लीज टेल मी व्हाट द ओल्ड मैन सेड टुडे कौन हम एटा मुझे कह टुडे अच्छी तो टुडे को जब आम देखा तो कौन हम टुडे तो टुडे कौन हम दैट डे टुडे कौन हम दैट डे बुझिपार कि नहीं देख टुडे दैट डे हम ना तेणु दुटा ऑप्शन काटिदे टुडे टुडे कटिगला एवं आम देखा प्लीज टेल मी प्लीज कौन अच्छी टेल मी भल से लक्ष्य कर तेणु एटि बस कौन कर प्लीज लगे तेनाली प्लीज लगे मैंने रिक्वेस्ट करेणु द बस रिक्वेस्टेड तो रिक्वेस्टेड हिम टू हिम नुहे बुझिपार कि ना हिम हम तेणु हिम तापर कौन आसो ना प्लीज अच्छी तेणु टू टेल हम जो टेल अच्छी तापूर्व कौन लगे टू टेल मी जगार कौन लगे मी जगार हूँ आपर हिम अच्छी तेणु ये कौन हम हिम ही र तेणु देख जो दुटा ऑप्शन आम काटे हिम भी एटी रही बुझिपार कि ना ठीक अच्छे व्हाट द ओल्ड मैन व्हाट द ओल्ड मैन सैड अच्छी तेणु सैड जो रही आम कौन करवा पास्ट परफेक्ट करवा बुझिपार कि ना तेणु मैन हेड सैड हम नट हूँ आपणकर सैड हम बुझिपार कि ना तेणु आरजेटी जहाँ भी रही आपणकर मेन सेट रही माने पास्ट सिंपल रही तेणु पास्ट सिंपलटा आपंकर कौदे पास्ट परफेक्ट चेंज हम तेणु ऑप्शन नंबर ए हम यार राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो मैंने देच करेक्ट आंसर अच्छे
ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯେଉଁମାନେ ଦେଇଛ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅଛି। ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁହ। ମାଇ ମଦର ସେଡ୍ ଟୁ ମି ପ୍ଲିଜ ଗୋ ଟୁ ଦ ସପ୍, କ'ଣ ହେବ ୟାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର? ପ୍ଲିଜ ଗୋ ଟୁ ଦ ସପ୍, କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଦେଖ ପ୍ଲିଜ୍ ଅଛି ମାନେ ଟୁ ଲାଗିଯିବ, ବୁଝିପାରୁଛନି? ଟୁ ଗୁ ହେଇଯିବ, ପ୍ଲିଜ୍ ଅଛି ମାନେ ଟୁ ଗୁ ହେଇଯିବ, ଏବଂ ପ୍ଲିଜ୍ ବଦଳରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ଼୍ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ମାଇ ମଦର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ଼୍, ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ଟା ଭୁଲ ଅଛି। ତେଣୁ ଟୁ ଗୁ ଟୁ ଦ ସପ୍, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବିଟା ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ମାଇ ମଦର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ଼୍ ମି ଗୁଇଙ୍ଗ କେଉଁଠୁ ଆସିବ ରେ? ଗୁଇଙ୍ଗ ହେବନି, ମାଇ ମଦର ଆସ୍କଡ଼୍ ବି ହେବନି। ତେଣୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ସହିତ ଯିବ, ବୁଝିହେଲା? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ସହିତ ଯିବ, ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ୟୁ ଡୁଇଙ୍ଗ ହିଅର୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ୟୁ ଡୁଇଙ୍ଗ ହିଅର୍, ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମକୁ ସେ ପଚାରିଛି କ'ଣ ହେବ? ସି ଆସ୍କ୍ଡ୍ ମି, ତେଣୁ ସି ଆସ୍କ୍ଡ୍ ମି, ସି ଆସ୍କ୍ଡ୍ ମି, ସି ଆସ୍କ୍ଡ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ଡୁଇଙ୍ଗ ହିଅର୍, ହିଅର୍ ହିଅର୍ଟା କେବେ ହିଅର୍ ହେବ କି? ହିଅର୍ଟା ଦେୟାର୍ ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ଟା ଭୁଲ ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ଟା ବି କ'ଣ ଅଛି? ଭୁଲ ଅଛି। ଥାର୍ଡ଼ ଅପସନ୍ଟା ବି ଭୁଲ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ହିଅର୍କୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଅପସନ୍କୁ ଏଲିମିନେଟ୍ କରିଦେବା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ରହିଲା ଦେୟାର, ଗୋଟିଏ ଅପସନ୍ରେ ଦେୟାର ଅଛି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେବ। ସି ୱାଣ୍ଟେଡ଼୍ ଟୁ ନୋ ହ୍ୱାଟ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ଡୁଇଙ୍ଗ ଦେୟାର, ବୁଝିପାରିଲ ନା? ବି ତୁମର କେମିତି ହେଇଗଲା? ହେୟାର୍ଟା ବା ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ହେୟାର୍ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେବ ହେଉଛି କେଉଁଥିରେ? ହେୟାର୍ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେବ ହେଉଛି ଦେୟାରରେ। ପ୍ରକାଶ ମଲ୍ଲ ଭାଇ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦ ୱେଟର୍ ଫିଲ୍ଡ ଦ ଗ୍ଲାସେସ୍ ୱିଥ୍ ୱାଟର୍, ତ ୟାର ଯଦି ପେସିଭ୍ ଭଏସ୍ କରିବା କ'ଣ ହେବ? ୟାର ଯଦି ପେସିଭ୍ ଭଏସ୍ କରିବା କ'ଣ ହେବ? ଦେଖ ଫିଲ୍ଡ ଅଛି, ତ ଫିଲ୍ଡ ଅଛି ମାନେ ପାଷ୍ଟରେ ଅଛି, ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ୱାଜ୍ ଆଣିବ କିମ୍ବା ୱେୟାର ଆଣିବ, ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ତୁମର ସବଜେକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ହେବ କି ପ୍ଲୁରାଲ ହେବ ଆମେ ଚୁଜ୍ କରିବା। ତେଣୁ ଏଠି ଦ ଗ୍ଲାସେସ୍ ଅଛି ମାନେ ୱେୟାର ଆସିବ, ଦ ଗ୍ଲାସେସ୍ ଫିଲ୍ଡ ହେବନି, ଦ ଗ୍ଲାସେସ୍ ୱେୟାର ଫିଲ୍ଡ ହେବ, ୱାଜ୍ ଫିଲ୍ଡ କେବେ ହେବନି। ୱେୟାର ଫିଲ୍ଡ ଅଛି, ଏଠି ବି ଅଛି, ୱିଥ୍ ଦ ୱାଟର୍, ୱିଥ୍ ୱାଟର୍, ୱିଥ୍ ୱାଟର୍, ବାଏ ଦ ୱେଟର୍, ବାଏ ଦ ୱେଟର୍, ଏଠି ଅଛି କି? ବାଏ ଦ ୱେଟର୍ ଅଛି, ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଠି କେବଳ ବାଏ ୱେଟର୍ ଲେଖିଛି, ହେବ କି ହେବନି? ଦ ୱେଟର୍ ରହିବ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେବ ୟାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେବ ୟାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ହେଲା? ନେକ୍ସଟ କୁହ, ଦେ ୱିଲ୍ ଲାଫ୍ ଏଟ୍ ୟୁ, କ'ଣ ହେବ? ଦେ ୱିଲ୍ ଲାଫ୍ ଏଟ୍ ୟୁ, ଜାଣେ କ'ଣ ହେବ? ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ଆସିଯିବ ନା, ୱି ୱିଲ୍ ବି ଆସିଯିବ, କ୍ୟାନ୍ ବି ହେବନି, ମେ ବି ହେବନି, ୱିଲ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ବି ହେବନି, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେବ, ୱିଲ୍ ବି ହେବ, ୱିଲ୍ ବି ଲାଭ୍ ଏଟ୍ ବାଏ ଦେମ୍। ଏଠି ତୁମେ କହିବ ସାର୍ ଡବଲ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍, ଏଠି ଲାଫ୍ ଏଟ୍, ଲାଫ୍ ଏଟ୍ ରୁହେ, ବୁଝିପାରୁଛ? କାରଣ ଏଠି ଲାଫ୍ ଏଟ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଥିଲା, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ତାପରେ ହେଉଛି ବାଏ ଦେମ୍ ରହିବ। ନେକ୍ସଟ ଆୱାର ଟାସ୍କ ହ୍ୟାଡ଼ ବିନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ବିଫୋର୍ ସନ୍ସେଟ୍, କ'ଣ ହେବ? ଆୱାର ଟାସ୍କ ହ୍ୟାଡ଼ ବିନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ଼, ତେଣୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ପେସିଭ୍ ଭଏସ୍ରେ ଅଛି, ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ? ୱି ହ୍ୟାଡ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ଼, ବିନ୍ଟା ଉଠିଯିବ, ଏ ବିନ୍ଟା ଉଠିକି ଭର୍ବର ଏଇଟା କ'ଣ ରହିବ? ଥାର୍ଡ ଫର୍ମ ରହିବ, ତେଣୁ ୱି ହ୍ୟାଡ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ଼ ଆୱାର ଟାସ୍କ ବିଫୋର୍ ସନ୍ସେଟ୍, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେବ। ନେକ୍ସଟ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ୟା ଭିତରେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ? ଦ ଡଗ୍ ବାର୍କଡ୍, ସାର ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ଷ୍ଟୋର୍ ଆଣ୍ଡ ବଟ୍ ସମ୍ ଗ୍ରୋସରିଜ୍,
although it was raining, they decided to go for a walk. I like pizza and my sister likes pasta. किए कह करेक्ट आंसर कौन हम कौटा आपंकर गोटे कम्प्लेक्स सेंटेन्स या भितर कौटा गोटे कम्प्लेक्स सेंटेन्स देख कम्प्लेक्स सेंटेन्स आम पढ़ी थे कौन ना एथिरे आपंकर गोटे डिपेंडेंट क्लज रोटे इंडिपेंडेंट क्लज रमें जब ऑप्शन नंबर सी को लक्ष्य करवा जो रही अल्दु इट वाज रेनिंग यहाँ हूँ आपर डिपेंडेंट क्लज एवं दे डिसाइडेड टू गो फॉर ए वॉक एटा हूँ आपंकर इंडिपेंडेंट क्लज तेणु जो थी कि डिपेंडेंट आउ इंडिपेंडेंट क्लज थी से प्रकार सेंटेंस को आम कम्प्लेक्स सेंटेंस कही था बुझा पड़े समस्त को ओके नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ए नेगेटिव सेंटेंस या भितर कौन गोटे नेगेटिव सेंटेंस सहज क्वेश्चन एक सांगे सांग कर तो कौन हम करेक्ट आंसर डिड नॉट लगे ना तेणु यहाँ हम करेक्ट आंसर हो नेक्स्ट क्वेश्चन आई विश आई हैड ए कार दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डैश एटा कौ प्रकार सेंटेंस एटा कौ प्रकार सेंटेंस एटा कौ प्रकार सेंटेंस देख आई विश आई हैड ए कार एटा हूँ गोटे ऑपरेटिव सेंटेंस तुम कह कहीं ऑपरेटिव सेंटेंस ना ऑपरेटिव सेंटेंस कौन ना जो थे कि गोटे निजर इच्छा गोटे निजर डिजायर को कौन करुव एक्सप्रेस करुव मोर इच्छा अच्छे गोटे कार कि बुझिपार नहीं आई हैड ए कार तेणु यहाँ हूँ आपंकर ऑपरेटिव सेंटेंस ठीक अच्छे बुझा पड़ा तो थैंक यू तो ये क्वेश्चन थिला तो चेष्टा करी ये किसी क्वेश्चन डिस्कशन करने कारण तुमने बहुत सारा यूट्यूब सोर्स पाऊज तो पढ़ापढ़ी करू था बुझा पड़ू कारण ये पिला क्लास न करी मुझे जो क्लास करूँ पे आसुँ देखिक पलिंट कि यूट्यूबर मान घंटा घंटा क्लास से आटेड करूँ हौ करूँ जहाँ भी हूँ आम समस्त मंगल चिंता करवा समस्ते क्वाफाई कर बुझा पड़ू थैंक यू समस्त को क्लास टे केमी लगेगा निश्चित जनइब आउ यार पीडीएफ मु वर्तमान टेलीग्राम रे दे देबी सॉरी टेलीग्राम नुहे आमर जो व्हाट्सएप ग्रुप अच्छे दे देबी तो तुम मैंने निश्चित भाव देखो जोटा डाउट रोचे एनालिसिस कर थैंक यू।